आज है 1st of May और बारिश आप देख सकते हो, मतलब मई में भी बारिश पड़ रही है यार, और एक कंटिन्यूसली लगी है पूरी सर्दी। बर्फ नहीं पड़ी ढंग से ना, और जो हमारे देवी देवता होते हैं ना, उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि बर्फ नहीं दूंगा अभी, बाद में बारिश दूंगा बुरे हाल से, और सच में वही चीज हो रही है। मई लग गया, देखो मार्च से लेके मई तक कंटिन्यूसली बारिश ही पड़ रही है। 2-3 दिन होता है ज्यादा ज्यादा मौसम साफ ना, फिर बारिश, और अभी भी बारिश लगी है। सोलो कैंपिंग का प्रोग्राम था लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ऐसी बारिश में तो कर नहीं सकता। आई होप आप लोग भी अंडरस्टैंड करो, बारिश में रिस्की होता है काफी ज्यादा यार। मतलब इतने दिन से लेकर प्लान कर रहा हूँ सोलो कैंपिंग, और आप लोग भी पक गए होंगे, इसके बाद मैं नहीं बोलने वाला हूँ। जब मौसम साफ होगा हम खुद चले जाएंगे सोलो कैंपिंग में, ठीक है। तो अभी थोड़े से काम है मेरे को, वो जाके कर लेते हैं मार्केट में, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और करते आज की ब्यूटीफुल डे की शुरुआत। लेट्स गो। तो यार मैंने ना वीडियो तो अपलोड कर दी थी, लेकिन पता नहीं क्या सीन हो गया, कॉपीराइट क्लेम आ गया था उसमें, इसीलिए वापस मैं ऑफिस आ गया था वीडियो अपलोड करने के लिए। वीडियो अपलोड हो चुकी है, चलते हैं जिप्सी के पास, 2-3 काम करने को है वो कर लेते हैं, उसके बाद कुल्लू निकलना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि पावर स्टीयरिंग, आपको याद है ना, पावर स्टीयरिंग खोल के रखा है और स्टीयरिंग बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है। कैंपिंग में जाने से पहले वो चीज करनी जरूरी है। कैंपिंग में आज तो नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि बारिश पड़ रही है काफी ज्यादा, तो जाके पावर स्टीयरिंग ठीक कराते हैं। गाइस बहुत बड़ा सीन हो गया, पता है क्या, गाड़ी ऐसी नीचे टेढ़ी खड़ी है ना, पेट्रोल चला गया सर, आगे स्टार्ट हो गई इन्हें भी, देखो वो दिखाता हूँ, ऊपर स्टार्ट भी नहीं हो रही, शिट यार स्टार्ट हुई नहीं, देखो एक्सीट दो बंद। एक्चुअली आगे एक जिप्सी खड़ी है ना, तो मेरा जो टायर है नाली में टेढ़ा चला गया, पेट्रोल इकट्ठा हो गया है यार, अब ऑफिस जाके लाना पड़ेगा 1 लीटर यार, 1 लीटर डालता हूँ उसके बाद पेट्रोल पंप चले जाएंगे। तो यार ऑफिस चला गया था मैं, इतना सा तेल ले लिया मैंने, ज्यादा जरूरत नहीं है, पेट्रोल पंप जाऊंगा वहां जाके डाल दूंगा, बट स्टार्ट तो हो जाए। तेल मैंने डाल दिया, थोड़ा सा स्टार्ट होने के लिए काफी है। और एक और बात आपको पता है क्या, गाड़ी ऐसे आगे लगी हुई है ना, ये देखो, मैं भाई आगे को भी नहीं निकाल सकता, वरना कर देता कुछ ना कुछ, पीछे रिवर्स करनी पड़ेगी। जय हो, प्लीज स्टार्ट हो जाए, ये बॉय हो गई स्टार्ट, चलो पेट्रोल पंप पहुंचाते इसको जल्दी से। बड़ा ही खतरनाक मौसम है यार, जब तक मैं घर पे था ना बिल्कुल नॉर्मल बारिश पड़ रही थी, साला अब घर से बाहर निकला तो ऐसी तेज हो गई है। पेट्रोल पंप आ गया था, फ्यूल अप हो चुका है, बाकी निकलते हैं अब यहाँ से। एक काम जो मैंने आपको बोला ना, अपने 1-2 काम है करने को, वो करने हैं, एक तो हो चुका है काम, अब दूसरे काम के लिए जा रहा हूँ मैं, उसके बाद निकलना है हम लोगों को यहाँ से कुल्लू। कुल्लू पता है क्यों जाना है हम लोगों ने, क्योंकि जो पावर स्टीयरिंग वाला काम बताया ना आपको, वो करना है पावर स्टीयरिंग वाला काम। आज जो मेरा व्लॉग आया है रोड रेज से रिलेटेड, उसमें मतलब मैंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है, तो काफी पॉजिटिव रिस्पांस आया है यार, मतलब मेरे को मतलब आज मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं मेरे से, मतलब सारे मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच यार ऐसे ही बने रहने के लिए। बाकी काम मेरे हो चुके हैं, वापस जा रहा हूँ मैं यहाँ से नीचे को, बारिश और ज्यादा तेज हो गई है। कुल्लू फोन किया हुआ था मैंने, कुल्लू में भी बारिश पड़ रही है बोला, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कुल्लू का काम भी पावर स्टीयरिंग वाला। मैं अभी एक काम करता हूँ, फोन करवाता हूँ कहीं से ना जो ये पावर स्टीयरिंग का काम करेंगे, अगर वो बोलते हैं कि आ जाओ काम हो जाएगा तो चलते काम कराते हैं, अदरवाइज तो फिर भाई कल देखना पड़ेगा, मौसम साफ हो तभी होगा। वैसे हो जाना चाहिए आज मेरा काम यार, वैसे बहुत हार्ड हो गया स्टीयरिंग, लॉक वही देखो जो नॉर्मल स्टीयरिंग होता है ना उससे भी ज्यादा हार्ड हो गया है, पता है पावर स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग की बेल्ट खोल दी है और ये बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, और बारिश आपके सामने है देखो, चलो क्या कर सकते हैं। अभी फोन करवाता हूँ कहीं से मैं कुल्लू, मेरे को नहीं पता ना, वो मैकेनिक जो नीचे थे वही बोल रहे थे कुल्लू में करता है एक बंदा, ठीक, तो पूछता हूँ उनसे और उसको फोन करवाता हूँ और पूछता हूँ, अगर आज कर बोलते वो कि आ जाओ कर दूंगा तो जाऊंगा, अदरवाइज फिर तो पोस्टपोन ही करना पड़ेगा कल के लिए। इन पोस्टपोन भी क्या करना है यार, मम्मी वगैरह को भी तो लेने जाना है, 3:10 हो गए, पूछता हूँ पहले फोन करके। तो यार बंटू भाई के वहाँ बैठ गया था मैं थोड़ी देर के लिए ना, और अभी मैं यहाँ से निकल गया हूँ इसका पावर स्टीयरिंग का काम कराने के लिए, और मैंने फोन किया था, बोल रहे मनाली में भी हो जाता है, गोम्पा रोड है एक जगह ना, यहाँ पे गोम्पा रोड में है एक बंदा जो एल्यूमिनियम वेल्डिंग करता है, तो बेसिकली एल्यूमिनियम वेल्डिंग ही करवानी है उसको, बट वो पाइप वगैरह जोड़नी वगैरह है, तो वहाँ जाके देखते, बोला तो है बंदे ने फोन करके कि आ जाओ मैं कर दूंगा, बाकी वहां जाके देखते होता कि नहीं होता, अगर होता है ठीक है यार होना चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज कुल्लू भागना पड़ेगा भाई। फाइनली ना आपके भाई का काम मनाली में हो चुका है, मतलब कुल्लू जाने की जरूरत नहीं है, वो कहते कुल्लू जाओ कुल्लू में जाके एल्यूमिनियम वेल्डिंग होगी, लेकिन एक चीज यहाँ पे आगे पता चली कि ये एल्यूमिनियम नहीं था लोहा था, ऊपर से ना एल्यूमिनियम की तरह सिल्वर कलर का स्प्रे मारी हुई थी इसको। फाइनली अपना काम हो चुका है अच्छे ढंग से, हमने कर लिया पूरा चेक करके, क्योंकि अगर एक भी जगह से लीकेज होती ना प्रॉब्लम होनी थी बहुत ज्यादा, तो बहुत अच्छे से हमने आधा एक घंटा लगाया किया काम। बाकी ये रही अपनी जिप्सी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और चलते हैं निकलते हैं यहाँ से और जल्दी से अपना पावर स्टीयरिंग का काम करा के आते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ रांगड़ी जहाँ पे मेरी गाड़ी का काम हुआ था पावर स्टीयरिंग का, ठीक है, वहाँ पे जाके मेरे को इसके पावर स्टीयरिंग का करना है काम,
पाइप ही लगानी है, ज्यादा तो कुछ नहीं, पाइप लगाएंगे वो और ऑयल वगैरह डालना पड़ेगा पावर स्टेयरिंग का, और देखते यार हो जाना चाहिए क्योंकि बिना पावर स्टेयरिंग के मुश्किल हो रहा है। आपको एक और बात पता है, उस दिन मेरा जो पावर स्टेयरिंग है ना, इतना बैक मारा उसने ना और ब्लास्ट हो गया था। जो उन्होंने दूसरी पाइप लगाई थी वो ब्लास्ट हो गई, प्रेशर बहुत ज्यादा था इसमें। आज वैसा नहीं होना चाहिए कुछ, आज तो हमने वही पाइप लगाई है, लेकिन जहाँ पे वेल्डिंग की है ना वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बता, बाकी वहाँ जाके देखते हैं। तो रांगड़ी तो मैं पहुंच गया हूँ ना, बाकी दिख रही है आपको अपनी डेविल पुंटो भी यहीं पे खड़ी है, इसका काम भी स्टार्ट करना है अभी, बारिश पड़ रही है अदरवाइज तो कर लेते हैं स्टार्ट ना, लेकिन अभी थोड़े टाइम पे यहीं पे हमने खड़ी की हुई है, पहले जिप्सी का काम करते हैं फिर देखेंगे इसका क्या क्या हुआ है। तो गाड़ी का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, इस साइड से पाइप लग गई है, देख रहा है ये नॉर्मल वाले स्टीयरिंग का बॉक्स है यहाँ पे, लेकिन इससे जाती है पाइप और पावर स्टीयरिंग का जो होता है ना उस साइड होता है, मतलब इस साइड से पाइप जाएगी उस साइड जुड़ेगी तभी काम करता है पावर स्टीयरिंग। तो यार काम हो गया अपना, बस पावर स्टीयरिंग ऑयल डालना है, ऑयल लेने आया हूं मैं, ऑयल डालते हैं और अपना काम आधे घंटे में हो गया पता है। अब प्रॉपरली चलना चाहिए बस, ये देखते हैं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फिर से। गाइस एक चीज देख रहे हो, हार्ड था ना पावर स्टीयरिंग, ठीक हो गया देखो अपना, ये देखो बढ़िया, अब आएगा गाड़ी चलाने का मजा फिर से भाई। और साथ में आज पुंटो को भी चेक करना था लेकिन टाइम ही नहीं है, बारिश सारा काम खराब कर रही है आपको पता है, तो कल बोला है कल सुबह आएंगे पुंटो को खोल के देखेंगे उसमें क्या क्या पार्ट्स थे और ऑर्डर करेंगे फिर, बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से घर को। ये चेक कर रहे हो, यहाँ देखो, ओ भाई ये देखो फील देख रहे हो, पावर स्टीयरिंग में फील है, कसम खा के बोलता हूँ भाई पावर स्टीयरिंग में फील है, देखो ना ऐसी एक उंगली से भी मुड़ जाएगा, तो नॉर्मल स्टीयरिंग था ना बहुत वो हो रही थी, मतलब दिक्कत हो रही थी मेरे को। मैंने जिप्सी नॉर्मल स्टीयरिंग में भी चला ली, पावर स्टीयरिंग में चला ली, लेकिन कुछ भी बोलो जिप्सी में पावर स्टीयरिंग अच्छा है यार, ये देखो ना फील है भाई, मजा आता है चलाने का। नॉर्मल स्टीयरिंग में तो ऐसा हार्ड हो गया था, और नॉर्मल स्टीयरिंग से ज्यादा ना पावर स्टीयरिंग की बेल्ट खोली ना वो ज्यादा हार्ड हो गया था, बताया आपको। अब ठीक है बढ़िया, पावर स्टीयरिंग लगाना चाहिए गाइस, लगाया करो आप जिसके पास जिप्सी है ना, पावर स्टीयरिंग लगा दो, थोड़ा खर्चा है लेकिन फील है भाई। और मैंने आप लोगों को बोला ना पिछले कल ब्लास्ट हो गया था, मतलब पाइप भी फट गई, बूम आवाज नहीं आती है, प्रेशर इतना ज्यादा होता है पावर स्टीयरिंग का, जो ऑयल की सप्लाई होती है ना, बेसिकली पावर स्टीयरिंग वर्क पता कैसे करता है, जो नॉर्मल स्टीयरिंग बॉक्स जाता है ना वहां से एक पाइप जाती है, वो जाती है पावर स्टीयरिंग के बॉक्स को, और उसमें ऑयल की सप्लाई इतनी स्पीड होती है उसकी कि वो पावर स्टीयरिंग उस चीज से वर्क करता है। तो पिछले का जो हमने पाइप लगाई थी तो वो ओरिजिनल हीटर वाली पाइप थी, जो इसमें जो पाइप लगी वो अलग है ठीक है, लेकिन इसका प्रेशर इतना ज्यादा था वो झेल नहीं पाई पाइप और ब्लास्ट हुआ तगड़ा वाला, और ब्लास्ट भी ऐसा हुआ मेरे को, मैंने कहा पता नहीं क्या उड़ गया यार, बाद में तो पाइप भी पड़ गई है। तो यार घर आ गया था मैं ना, बाकी जिम की टाइमिंग हो गई है, दो दिन से जिम नहीं गया हूं, मतलब घर पे ही कर रहा था, ऐसा नहीं जिम नहीं करता हूं, घर पे डंबल्स वगैरह पड़े मेरे पास और अलग अलग तरह की प्लेट्स पड़ी है, 2.5 किलो की भी है, 5 की भी है, 10 की भी है, 10 से ऊपर नहीं है, 10 की मेरे पास 2 है, तो वही इसमें जोड़ जोड़ के वेट बन जाता है, तो घर पे वार्म अप हो जाता है, प्रॉपर जिम नहीं हो पाती है, बट वार्म अप वगैरह मतलब इतना है कि फिट रहता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन जिम नहीं गया होता है ना, जिम नहीं गया यार हो जाता है थोड़ा पूरा घर पे मेरा, बाकी अभी तो जिम चलते हैं, 8 बज गए, निकलते जिम और बढ़िया वाले एक्सरसाइज मार के आते हैं। और आज आपके भाई का चेस्ट एंड ट्राइसेप डबल लगा रहा हूं मैं, चेस्ट ट्राइसेप बैक बाइसेप वैसे ही, तो आज चेस्ट एंड ट्राइसेप पे चलते हैं। गाइस जिस चीज का डर था ना वही हुआ, एक तो ये वन वे ठीक है और बस स्टैंड के पास ही है, देखो इस टाइम पे बसेस काफी आती है, लग गया ट्रैफिक और ये पूरी खड़ी चढ़ाई है, और आपको पता है कि यहाँ पे जाए बस खड़ी ना ऊपर, यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा हो गया था, किसी बंदे ने सोशल मीडिया में डाल दिया फेसबुक में, अगले दिन ही बन गया, मतलब सोशल मीडिया में डालते रहना चाहिए आजकल, मैं क्या करूंगा पता है, जैसे ही कहीं पे गड्ढे होंगे कुछ करना होगा मैं वीडियो डाल दूंगा, क्या पता बन जाए, फर्क तो पड़ता है, देखो ना गड्ढे भर दिए। यही रीजन है मैंने बाइक रेडी की आपको पता है क्या, क्योंकि इस टाइम लगता है ट्रैफिक, आज मैं बाइक लेके इसलिए नहीं है क्योंकि मौसम खराब था और बारिश फिर से पड़ने वाली है और ठंड काफी ज्यादा थी, इसलिए मैंने कहा आज गाड़ी लेके चलता हूँ, कल अगर मौसम साफ होता है कल बाइक लेके निकलेंगे, लेकिन ट्रैफिक फंस गए। मजा आ गया आज यार एक्सरसाइज करने में, और ना अभी एब्स में ऐसा दर्द हो रहा है ना, बहुत पेन हो रहा है यार, आज बहुत हैवी एब्स लगा दिया मैंने, मतलब स्टार्टिंग में क्या होता था एब्स लगाता था आदत हो गई थी, मतलब जब मैं जिम करता था बहुत सालों पहले तो, और उस टाइम थे भी एब्स काफी अच्छे थे, मतलब उस टाइम पे आदत सी हो गई थी, दर्द भी नहीं होता था, अब बहुत सालों के बाद लगा रहा हूँ ना बहुत पेन हो रहा है यार, और मेरे को पता है बहुत मेहनत, 2-3 महीने मेरी बहुत मेहनत लगने वाली है एब्स निकालने में बहुत ज्यादा। Minimum stress, that's the